नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान नगर के टाउन हॉल में बुधवार को विद्युत विभाग सिवान के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें DDC दीपक सिंह, SDO रामबाबू वैद्य सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी व बिजली विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष 2014 से अब तक बिजली उत्पादन में किए गए बढ़ोतरी की चर्चा, बिजली वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन विद्युत आपूर्ति आदि की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में चलचित्र के माध्यम से बिजली विभाग के विकास की गाथा को दिखाया गया। सिवान से राजेश पांडे की रिपोर्ट। पायदान है जिसके बिना विकास और आर्थिक उन्नति का पहिया लगभग थम सा जाता, लेकिन आज देश का हर गांव रोशन होकर अपनी तरक्की की कहानी कह रहा है। लेकिन आज से 8 साल पहले तक आजादी के 67 साल के बाद भी देश के हजारों गांव तक बिजली की पहुंच नहीं थी, जिसके कारण वहां के लोग मुख्य धारा से कटे हुए थे। वर्ष 2014 तक भारत के कुल 18,374 गांव और करीब 3,50,000 से ज्यादा मजरों की कहानी ऐसी ही थी। विकास के उजाले से कोसों दूर स्थित इन गांव तक बिजली के नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा कारण था उन गांव तक पहुंचना आसान जो नहीं था। कहीं घने जंगल थे तो कहीं ऊंची पहाड़ियां, कहीं उभरती नदी तो कहीं तपती लेक, रास्ते कहीं कच्चे कहीं वीरान, ना छतरी ना छांव। देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प है इन 18,500 गांवों में 1,000 दिन के अंदर बिजली का खंभा, बिजली का तार बिजली पहुंचे, ये काम पूरा करके दिया है। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना द्वारा शुरू हुआ ये भागीरथ प्रयास, कड़ी मेहनत और ईमानदार प्रयास से सिर्फ 3 महीनों में 3,000 गांव रोशन हो चुके थे। साल 2017 के फरवरी महीने में ये आंकड़ा लगभग 4 गुना हो गया और 12,000 गांव चल पड़े तरक्की के एक नए सफर। कई दूर दराज के इलाके सड़क मार्ग से भी नहीं जुड़े थे। ऐसे क्षेत्रों में स्थित गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए आवश्यक उपकरण भारतीय वायुसेना की मदद से पहुंचाया है। जिन गांव को नेशनल ग्रिड से नहीं जोड़ा जा सका था, उन गांव के विद्युतीकरण के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। और फिर आया 28 अप्रैल 2018 का वो ऐतिहासिक दिन जब मणिपुर के चट्टानी पहाड़ों पर स्थित एक छोटे से गांव लिसांग में पहली बार बिजली के बल्ब की उस रोशनी को पहुंचाया, जिस रोशनी की बात उस गांव की कई पीढ़ियां जम रही थी। 70 सालों से अंधेरे और उजाले के बीच की उस खाई को समय से पहले 987 दिनों में पार किया गया और भारत ने 100% गांव तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने उल्लेख किया कि ये वर्ष 2018 में ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बेहतरीन कदमों में से एक है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मार्च 2019 तक सभी बचे हुए 3,50,000 मजरों को भी बिजली की सुविधा से जोड़ा गया। जब से पावर सब स्टेशन बना है हुआ है करीबन 7-8 महीना हो गया है चालू हुआ, और जब से बना है तब से लाख लोगों को बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। ये कहानी धैर्य और परिश्रम के बल पर सैकड़ों दुर्गम बाधाओं को पार करने की है। इस कहानी के प्रमुख नायक थे 3 पावर यानी बिजली कंपनियां, राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार के वो सदस्य जो दिन रात 24 घंटे विकास की रोशनी से दूर उन गाँव को रोशन करने के संकल्प के साथ जुटे हुए थे। काम में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगरानी सिस्टम को मजबूत किया गया। आज कच्छ से कामरूप और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गांव है रोशन। पिछले 8 सालों में भारत में ऊर्जा की क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और भारत का हर एक गांव इस क्रांति में शामिल होकर न्यू इंडिया की लिख रहा है रोशन कहानी।